बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल डेली जॉब इन्फो। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ ज़बरदस्त वैकेंसी शेयर करने वाला हूं। तीन बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में दोस्तों मुलाजमत करने के मौके हैं। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, किस पोस्ट पे है, क्या क्वालिफिकेशन है, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने की आखिरी तारीख क्या है, आज मैं आप लोगों को मुकम्मल तफसील के साथ बताऊँगा। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल वाले आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वैकेंसी या इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहली यूनिवर्सिटी है द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर, पाकिस्तान। दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी में आप लोग पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली पोस्ट है इसमें डिप्टी डायरेक्टर आईटी की, 18वें स्केल की ये जॉब है दोस्तों, और भावलपुर कैंपस की ये जॉब है। टोटल इसकी दो वैकेंसीज हैं। तालीमी काबिल दोस्तों, इसमें MScS 5 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस, या फिर अगर आप लोगों ने MCS या MSc या फिर BCS या फिर BSc इंजीनियरिंग में की है, 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आप लोगों का IT में, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज की लिमिट दोस्तों 21 से 50 साल तक। उससे अगली पोस्ट है दोस्तों सिस्टम एनालिस्ट, 18वें स्किल की ये जॉब है, बहावलपुर कैंपस की ये जॉब है दोस्तों। टोटल इसकी दो वैकेंसी हैं। तालीमी काबिल दोस्तों, इसमें PhD IT में कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस MS सॉल्यूशन डेवलपर का, या फिर अगर आप लोगों ने MS IT की है तो आप लोगों ने साथ आप लोगों का 8 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज की लिमिट 21 से 50 साल तक। उससे अगली पोस्ट है दोस्तों नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, 17वें स्किल की ये जॉब है, बहावलपुर कैंपस की है दोस्तों। इसमें दोस्तों 3 वैकेंसी हैं। तालीमी काबिलियत मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस में या फिर BS ऑनर 4 साल डिग्री सेकंड डिवीजन के साथ। उससे अगली पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर IT, 17वें स्किल की ये जॉब है दोस्तों, बहावलपुर और रहीम यार खान और बहावल नगर के कैंपस की ये वैकेंसीज हैं। 4 टोटल इसकी वैकेंसीज हैं। तालीमी काबिलियत दोस्तों, इसमें MCS या फिर MSc या फिर MIT या फिर अगर आप लोगों ने MBIT में किया तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। उससे अगली पोस्ट है असिस्टेंट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, 16वें स्केल की ये जॉब है, बहावलपुर कैंपस की है दोस्तों। टोटल इसकी 2 वैकेंसीज हैं। तालीमी काबिलियत MCS या फिर MSc या फिर BScS IT में, और आप लोगों का साथ 3 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। उससे अगली पोस्ट है दोस्तों लेबोरेटरी असिस्टेंट की IT, 7वें स्केल की ये जॉब है, बहावलपुर कैंपस की है। टोटल इसकी दोस्तों 6 वैकेंसीज हैं। तालीमी काबिलियत दोस्तों मैट्रिक बेस पे है, मैट्रिक साइंस के साथ होना चाहिए और सेकेंड डिविजन होनी चाहिए। 2 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 से 25 साल तक की एज की लिमिट है। दोस्तों, आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है? आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है। आप लोगों ने eportal.iub.edu.pk इस वेबसाइट पर चले जाना है। इसका लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अप्लाई करने की आखिरी तारीख दोस्तों 4 अगस्त 2020 है। साथ आप लोगों ने दोस्तों अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट साइज तस्वीर, शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस लेटर्स, सर्टिफिकेट्स आप लोगों ने मुकम्मल लगा के बाय पोस्ट भेजने हैं। दोस्तों, आप लोगों ने इस एड्रेस पे भेजनी है, ऑफिस ऑफ द असिस्टेंट रजिस्ट्रार, रूम नंबर 103, फर्स्ट फ्लोर, अब्बासिया कैंपस, द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर। दोस्तों, आप लोगों ने हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स की 4 अगस्त तक भेजनी है। तो दोस्तों, ये थी वैकेंसी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन सी यूनिवर्सिटी है, इसका मैं आप लोगों को लिंक बता देता हूं। दोस्तों, ये आप लोगों के सामने लिंक ओपन है। अगर आप लोगों का पहले से अकाउंट बना है तो आप उन लोगों ने साइन इन करना है, नहीं तो आप लोगों ने रजिस्टर नो पर क्लिक करके दोस्तों आप लोगों ने साइन अप पे क्लिक करना है और आप लोगों ने इस वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाना है। उसके बाद आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उससे अगली यूनिवर्सिटी है दोस्तों एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटी ऑफ सखर। दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी में सबसे पहली पोस्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैनेजर की या फिर प्रोजेक्ट इंजीनियर की इलेक्ट्रिकल। तालीम का भी दोस्तों इसमें BE यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल फर्स्ट डिवीजन के साथ,
6 से 8 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। उसे अगली पोस्ट है अकाउंटेंट की तालीमी काबिलियत बी काम, या फिर जिन लोगों ने एम कॉम किया होगा उन लोगों को तरजीह दी जाएगी फर्स्ट डिवीजन के साथ। उसे अगली पोस्ट है सुपरवाइजर की, इसमें दोस्तों डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग सिविल का फर्स्ट डिवीजन के साथ। सेकेंड लास्ट पर दोस्तों पीएन की जॉब है, टोटल 2 वैकेंसी है, मैट्रिक बेस पे है या मिडल वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। लास्ट पर दोस्तों माली, मैट्रिक बेस पे या मिडल वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, 1 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों इन तमाम वैकेंसी में आप लोग पूरे सिंध से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की आखिरी तारीख दोस्तों 16 जुलाई 2020 है। दोस्तों आप लोग जिस पोस्ट में अप्लाई करना चाह रहे हैं आप लोगों ने लिफाफे के ऊपर नाम वादा तौर पर मेंशन करना है, और दोस्तों आप लोगों ने अगर 1 से ज़्यादा वैकेंसी में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप लोगों ने लहरा फॉर्म भेजना है, और आप लोगों ने दोस्तों एप्लीकेशन बाय पोस्ट भेजनी है दिए गए एड्रेस पे, रजिस्ट्रार ऑफिस BNB वुमेन यूनिवर्सिटी कैंपस। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है दोस्तों लसबेला यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर वाटर एंड मेरीन साइंसेस, उथल डिस्ट्रिक्ट लसबेला बलोचिस्तान की ये वैकेंसी हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों सबसे पहले डिपार्टमेंट है प्रोफेसर की जॉब्स हैं, 21वें स्केल की ये वैकेंसी हैं दोस्तों। डिपार्टमेंट है दोस्तों वेटरनरी सर्जरी का, वेटरनरी मेडिसिन, एनिमल रिप्रोडक्शन, वेटरनरी माइक्रोबायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों कैटेगरी है एसोसिएट प्रोफेसर की, 20वें स्केल की ये जॉब है दोस्तों। इसमें एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी और कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी हैं। उससे आगे दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है, 19वें स्केल की ये वैकेंसीज हैं। इसमें दोस्तों लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, प्लांट पैथोलॉजी और मैरीन बायोलॉजी की वैकेंसीज हैं। लास्ट में दोस्तों लेक्चरार की वैकेंसीज हैं, 18वें स्केल की ये वैकेंसीज हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों एनिमल रिप्रोडक्शन की वैकेंसीज हैं और कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज हैं। और दोस्तों लास्ट पे आप लोगों को बताता चलूं एसोसिएट प्रोफेसर बायो टेक्नोलॉजी की वैकेंसी है। अप्लाई करने की आखिरी तारीख दोस्तों 15 जुलाई 2020 है। आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, आप लोगों ने दोस्तों इसका क्राइटेरिया क्या है, आप लोगों ने इस वेबसाइट से जाकर देख लेते हैं। इसका लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। यहाँ से आप लोगों ने मुकम्मल क्राइटेरिया देख लेना दोस्तों, और यहाँ से आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसको मुकम्मल फिलअप करके दोस्तों आप लोगों ने बाय पोस्ट भेजना है। तो दोस्तों ये थी वैकेंसी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मज़ीद इस तरह की वैकेंसीज और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल डेली जॉब इन्फो को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमारे चैनल डेली जॉब इन्फो पर रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान के हवाले से जॉब की इन्फॉर्मेशन अपडेट की जाती है, लिहाजा मज़ीद अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।